सतीश जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे स्वामी के प्रति आपका क्या नजरिया है, क्या? देखिए, गणेश आचार्य जो है वो बहुत अच्छे इंसान हैं और इतने टॉप के और बड़े कोरियोग्राफर हैं, और आपको एक्सपेक्ट ऐसा होता है जैसे कि ये शायद नाच गाने से भरपूर फिल्म बनाएंगे, लेकिन मैंने फिल्म मतलब मैं कुछ किस्मत हूँ कि इन्होंने मुझे फिल्म, क्योंकि मेरे लिए बहुत काम किया इन्होंने, तो मेरे को बुला करके इन्होंने दिखाई। आई एम वन ऑफ द फ्यू लकी पीपल्स। एंड गणेश आचार्य शॉक्स यू विद हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टोरी, और ऐसा लगता है कि ये आदमी जो इतना लोगों को नचाता है और इतने लोगों को गुदगुदाता है और अपने डांस मूवमेंट से कितने टपोरी मूवमेंट्स देता है और कितने वो देता है, वो इतनी सेंसिटिव पिक्चर बनाएगा जिसकी जिसमें इमेजेस इतनी अच्छी होंगी। वो कई बार प्रोमो में आप देखते होंगे कि वो पत्ते के ऊपर एक चींटी का वो होना या एक चींटी अपना रास्ता ढूंढती है, यू नो, वो छोटी छोटी मूवमेंट्स जो है ना वो गणेश इस पिक्चर में से पकड़े, तो ही शॉक्स यू विद हिज नॉलेज अबाउट सिनेमा कि इतनी डेप्थ है कि मैं बहका नहीं, मेरे को कुछ जो दिल में आया मैंने वो पिक्चर बना दी। और जब डायरेक्टर दिल से पिक्चर बनाता है उसकी पिक्चर में हमेशा दम होता है। फिल्म एक फैमिली मेलोड्रामा है, तो आज के दौर में ये इतनी टिकाऊ रहेगी किस तरह से? आप देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी जाती नहीं है, ना फैमिली मेलोड्रामा जाएगा, ना लव स्टोरी जाएंगी, ना एक्शन पिक्चरें जाएंगी, ना कॉमेडी पिक्चरें जाएंगी, सब आती रहती हैं जाती रहती हैं। आप कैसे बनाते हैं उसका आप उस पर निर्भर करता है। और ये जो स्वामी जो पिक्चर बनाई है, ये गणेश ने बहुत ही मतलब एक अच्छे बाप की कहानी है, एक अच्छी माँ की कहानी है, एक अच्छे बेटे की कहानी है, एक अच्छी बहू की कहानी है। यू नो, कैरेक्टर्स आर सो गुड इन द फिल्म, सो आई होप दैट यू नो गणेश सक्सीड्स इन दिस, एंड आई एम वेरी श्योर बिकॉज आई लाइक द फिल्म वेरी मच, इट टचेस मी, इट टचेस माय हार्ट वेरी मच। सब कुछ अच्छा अच्छा है तो क्या ये फिल्म दर्शक हजम कर पाएंगे? सब कुछ अच्छा अच्छा क्यों नहीं हजम करेंगे? आज मतलब आज पिक्चर भी आपको शॉक करती है, बड़ी बड़ी पिक्चरें नहीं चलती है, पर भेजा फ्राई देखो क्या बिजनेस करती है सब में, तो आपको लगता है कि ऐसे कोई आज कोई बड़ी छोटी पिक्चर का ज़माना नहीं है। आज यह है कि अच्छी पिक्चर है तो पहले शो के बाद अपने आप चलती है, पिक्चर चलाती है। गणेश की अच्छाई, गुडनेस और उसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सिनेमा, मतलब वो आपको, मैं ऐसा सोच नहीं सकता था कि गणेश इस तरह के शॉट्स हो सकता है या इतने ठहराव मतलब ना पिक्चर के अंदर रख सकता है, ऐसा लगता है। बिकॉज जिस तरह के गणेश के हमने काम देखे हैं वो मतलब है ना फ्रंट फुट कमर्शियल सिनेमा का आदमी है मतलब वो, और वो इस तरह की पिक्चर बनाए जो दिल को भी छुए और कमर्शियली भी इस पिक्चर की कहानी, क्योंकि पात्र आपके इतने अच्छे हैं, तो गणेश की अच्छी बात ये लगती है एज ए डायरेक्टर, मेरे को शौक लगता है कि गणेश हाउ कुड यू थिंक पिक्चर लाइक दिस, यू नो, कि एक इतनी सिंपल और इतनी इफेक्टिव और इतनी दिल को छूने वाली पिक्चर, एक भावना जो जगाती है और आपको एक अच्छे कैरेक्टर की कहानी। मनोज वाजपेयी ने बहुत अच्छा काम किया है, वो दो नए लड़के हैं उन्हें अच्छा काम किया, जूही चावला का डेथ सीन इस पिक्चर में देखेंगे इट विल बी वेरी गुड, तो वो जो ट्रीटमेंट जो दिया ना गणेश ने वो आपको अच्छा लगता है। ह्यूमन रिलेशन को हैंडल करना आई थिंक इसको बहुत अच्छा आएगा, बिकॉज ही इज़ द मैन हु हैज़ कम फ्रॉम रूट्स, तो वो रूटेड कैरेक्टर्स को पहचानना जो है ना वो गणेश की खासियत है। बात करें, आप अगर राधा होते तो आपकी स्वामी को? मैं क्यों राधा होता यार, मैं सतीश आप रखो यार, आप कृष्ण बनो ना, मैं क्यों बनो। आई थैंक यू सर, एक क्वेश्चन, फिल्म की म्यूजिक का मिजाज जानना चाहेंगे किस तरह के आप? म्यूजिक एक्चुअली इस फिल्म के हिसाब से है, तकरीबन बैकग्राउंड गाने हैं और वही मतलब गणेश ने कोई नाच गाना ना रखा, मेरे को मैं हमेशा बोलता था एक गाना तो डांस कर रखता था, इसलिए गणेश आचार्य की पिक्चर रख लिया, मैं अटेम्प्ट ही नहीं हुआ उसके लिए, और मैंने गाने जो है वो तकरीबन बैकग्राउंड के अंदर है और आपको एज ए सीन वो गाने जो आते हैं, और बहुत बड़ा मीठा वो उसका मधुर स्वर है और बहुत अच्छा म्यूजिक है। फाइनली जानना चाहेंगे गणेश को अपने डायरेक्शन के लिए कुछ टिप्स दिए थे? नहीं नहीं, मैं क्यों टिप्स दूंगा, वो खुद जानता है, वो जितना जिसको कैमरा की नॉलेज है, इतने गाने कर चुका है, इतने वो है, तो मैं मतलब, और ये तो जब पिक्चर कंप्लीट हुई है तो इन्होंने दिखाई है, हमने थोड़ा ना कोई वो किया था, बट इज़ ए ग्रेट टेक्नीशियन दैट एवरीवन नोस। फिल्म का जो नाम रखा है फिल्म कोरियोग्राफ बाय, जैसे अभी फिल्म जैसे कोई भी बनाता है तो डायरेक्टेड बाय, प्रोड्यूस बाय, कोरियोग्राफ बाय, इस नाम से आप कुछ समझ पाए हैं? अभी कोरियोग्राफर है तो कोरियोग्राफर अब आप ये उनके इनको इनके वो होता है कि उन्होंने अपना वर्ड ईजाद किया, यू नो, इट इज़ हिज थिंग विच इज थॉट ऑफ, हो सकता है फिल्म कोरियोग्राफ्ड बाय, बिकॉज ही इज ए कोरियोग्राफर एंड ही इज कोरियोग्राफ्ड द
होल मूड ऑफ द फिल्म।